Today, I am very excited to visit Rao Bangla, which comes under the South Sikkim zone. So, पहले मैं जाऊंगा मल्ली. Welcome to Sikkim. रोक लिया अंकल ने. हाँ ना रोके को मैंने सो देखो कि ये ते कारण ले. Number one को सही. अच्छा हाँ जरूर. कैलिंपुंग. क्या संभाग? एक सिंह साथी को मां जोड़ थांग. सर. Have a good day. भाई सिक्किम पुलिस मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, हमेशा हम्बल अच्छे से बात करती है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है सिक्किम का. तो बाकी सिक्किम आ चुके हैं. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिक्किम एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे. वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगिंग हंग. मेरा नाम है राहुल, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ सिक्किम. तो अभी फिलहाल मैं हूँ सिक्किम के किसी एक छोटे से पार्ट में जोरथंग से पहले. तो हमें जाना है पहले नामची, उसके बाद जाएंगे हम राव बंगला. तो जो भी नज़ारे होंगे आपको देखने को मिलेंगे इस ब्लॉग में. आप देख सकते हो पीछे सभी सनराइज होने वाला है पीछे मेरे. और चलो फटाफट आगे चलते हैं. देन वाया नामची होते हुए मैं पहुंचूंगा राव बंगला, जहां मेरी पूरी हंक आर्मी मेरा वेट कर रही है मेरे साथ साउथ सिक्किम के नज़ारों को एक्सप्लोर करने के लिए. मैं तो कहता हूं आप भी हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि यहां सफ़र भी खूबसूरत है और मंजिल भी. तो चलिए आज मैं आपको साउथ सिक्किम घुमाता हूं अपने व्लॉग के थ्रू. सो हियर वी गो. कम के नाम हो तिम्रो? के नाम हो? विवेक. यस तिम्रो चाहिँ तिमी यहीँ बसौ माथि? कुन क्लास हो तिमी? सिक्स. तिमी कस के देख्छौ बाइकमा चाहिँ? ए युट्युबरको ट्याग हेलेको. म कालिम्पोङबाट आएको. बाई बाई, सी यु, नाइस मिटिङ टु गाइस, बाई. ओके लिटिल बाइक भुटिया, यो राव बङ्गलाको लागि माथि जानुपर्छ. राव बङ्गलाको लागि डेढ़ से दो घंटे की कंटिन्यू राइडिंग के बाद थोड़ा रेस्ट तो बनता है ना बॉस. तो पानी पीते हुए इन पहाड़ों को देखते हुए मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर ऊंचा उठना है तो झुककर चलना होगा. तो बातें तो काफी कर ली हमने, तो अब चला जाए फिर भाइयों. Merry Christmas from Sikkim. भाई साहब व्यू देखो ऊपर, बाबा रे बाबा, ये होता है एकदम ऊपर पूरा स्नो पीक, नीचे पेड़ और यहाँ रास्ते. ये रॉइंग बस्ती है और क्या ही कहने, छोटा सा विलेज और इतने खूबसूरत नज़ारों के साथ मन मोहित हो गया भाई सबसे. राय बंगला आने से पहले एक पुतली भीड़ पड़ता है. पुतली भीड़, पुतली बोलते बटरफ्लाई नेपाली में, और भीड़ आप देख सकते हो पूरा वन वे है, रास्ता बन के काट के बनाया है और ये ट्रक आ रहा है. यहाँ व्यू ये होती है, ये इसे बोलते भीड़, यहाँ से पूरा गांव दिखता है खतरनाक. और आप भी कमेंट करके बताओ कैसा लगा आपको पुतली भीड़. मैम राव बंगला को लगी रोड हो? राव बंगला को लगी रोड? राव बंगला मैम, राव बंगला को लगी. थैंक यू. अब मेरी बाली बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रही है. गजब बेइज्जती है. पुलिस को आ जाएगी. राय बंगला यही है शायद, यही है टाउन में. अब यहाँ वेट किया जाए दोस्तों का, दोस्त आ रहे लेने के लिए. चलो फ़ोन किया जाए कहाँ से.
आज इधर हमारा ब्लॉगर आया है, कालीपुंग के ब्लॉगर, इधर रावंगला विजिट करने। अच्छा, आपको कैसा लगा रावंगला? मेरे को बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आया था ना, तो स्पेशली थैंक यू शांगी, मुझे काफी अच्छा लगा। बस स्नो देखने को नहीं मिला ना, आप नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो स्नो होगा जब आएंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पिंपल चौकी। ओके, नाइस नेम, थैंक यू। चलो भाई शांगे। और यहाँ पे हमने होटल ले लिया, दोस्त भी मिल चुके हैं हमें, थोड़ा आपको होटल का व्यू दिखाता हूँ। लाइक हमने दो रूम्स लिए, तो फर्स्ट रूम तो ये है, और यहाँ से क्या ही नज़ारे दिखते हैं, लाइक विंडो का आप देख ही सकते हो यहाँ से, तो ये विंडो की इस तरफ, नीचे आज हार्ट बाजार यहाँ लगा हुआ है, और दोस्त उस तरफ उस रूम में, तो आपको लेके चलते हैं। बाकी काफ़ी अच्छा रूम है, बाकी होटल की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आए बंगला हो तो यहाँ पर जरूर विजिट करना। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ द जोश, थैंक यू शांगे आई, शांगे को पूरा पूरा धन्यवाद, तिमीले आएर कोर्डिनेट गर्दिनु भयो। अन्त भाई तिम्रो नाम भन्दियो त? मेरो नाम चाहिँ संजित राई, संजित राई म रामलाग टासिङ। ह्याप्पी बर्थडे, आज बर्थडे भाई को मलाई आज थाहा पाएँ होइन। थ्याङ्क यू सो मच। अन्त बहिनी, हेलो बहिनी, तिम्रो नाम भन्दियो त? सो आज चाहिँ हामीहरू जाँदैछ होइन अब घुम्नको लागि, तो कहाँ जान्छ पहिला भन त? पहिला बुद्ध पार्क, त्यहाँदेखि स्काई वक चेरे चाहिँ, अन्त उयो सिङचुङ ब्रिज। सिङचुङ ब्रिज। सो गाइज, मेरा भी फर्स्ट टाइम है सिक्किम, साउथ सिक्किममा, सो आज मजासे घुमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। वेस्ट पनि जान्छ, वेस्ट पनि जान्छ। बाकी वीडियो चाहिँ सिरिजमा आएगा, आज फर्स्ट डे का सेकेन्ड डे का ब्लग बादमा आएगा। और बाकी थैंक यू, बाकी अभी और भी ब्रोज है बाहर है, वेट कर रहे हैं, तो आप फटाफट निकलते हैं बुद्ध पार्क के लिए, और आपको दिखाते हैं बुद्ध पार्क के नज़ारे। लाइक 3, 2, 1 एंड गो। होइन, एक दुई पाँच रुपियाँ, एक सौ रुपियाँ। हेलो सर, एक ड्रीम बाइक होता सबका, हमारा भी है, आप अच्छे लग रहे हो काफ़ी। कहाँ से आप? कलकत्ता से आए? ओके ओके। हाय सर, हाउ यू? आई होप सिक्किम अच्छा लगा होगा आपको। आते आप तो आते रहते होंगे शायद, है ना? अभी तो फर्स्ट टाइम है। ये फर्स्ट टाइम है, मेरा ही फर्स्ट टाइम है सिक्किम का ही, मैं भी कालिम्पोंग में रहता हूँ। कालिम्पोंग? हाँ जी, हाँ जी, तो फर्स्ट सिक्किम, ये फर्स्ट मेरा भी ट्रिप है। चलो, हैव अ गुड डे सर। सो गाइस, आ चुके हैं फाइनली बुद्ध पार्क, साउथ सिक्किम। अन्त कस्तो लाग्यो? एकदम बढिया, दामी हैन? यहाँ छ हाम्रो बुद्ध स्ट्याचु। मेरो गाउँ कस्तो लाग्यो भन्नु? दामी दामी, तिम्रो गाउँ अवसम छ भाई। बाकी मेरे तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप भी कमेंट करके बताना कैसा लगा, और बाकी चलिए दिखाते आपको थोड़ा बुद्ध पार्क के नज़ारे। तो गाइस, यहाँ पे किड सेक्शन के लिए आपको छोटे व्हीकल्स मिल जाएंगे, जो आप बच्चे के साथ घूम सकते हो। यहाँ पे एक ट्रॉली है जो एयरपोर्ट में होती है, इससे आप पूरा राउंड ले सकते हो। इस तरफ देखोगे वहाँ से स्टॉल्स वगैरह कुछ है, तो वहाँ पे स्टॉल्स आप शॉपिंग कर सकते हो अंदर आके। जब पैर कैंडल जगह होता है ना, जो चिमी बोलता है वो जलाते हैं। ओके, उधर देखो घर के साथ, उस तरफ, उधर। सो भाई साहब, ये थे कुछ नज़ारे बुद्ध पार्क के, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा शांगे के गांव का बुद्ध पार्क। तो आते रहता ना यहाँ पे? हाँ, मेरा तो डेली पार्क ही है। ताशिंग कैसा लगे भाई? एकदम ब्यूटीफुल, एकदम ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लाइक अ वाओ। सो फटाफट यहाँ से निकलते हैं और आगे के डेस्टिनेशन आपको मिलते हैं, तब तक आप बने रहो वीडियो में साउथ सिक्किम के खूबसूरत नज़ारों के साथ। सर में ऐसा लग रहा है ना, सन 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 सन, बस सर दुख गया है, अब थोड़ा सा धूप लेके पहले में जाएंगे। ठीक
तो भाई साहब राइड करते थक चुके थे, भूख लग रही थी काफी, तो भाई शांगे ने रुका लिया यहाँ पे मोमोज के लिए, मतलब मोमोज पार्टी इधर हल्का ठीक से आए मोमोज। हंता भाई कैसा लगा राइड से? राइड तो पूरा मिनी लद्दाख वाला फील आ रहा था ना, स्पीडिंग स्पीडिंग करके हम ऑफ रोड ऑफ रोड। अभी भी यहाँ से कहाँ पे अभी हम यहाँ पे कहाँ पे क्यूजिंग के नीचे यहाँ पे, और क्या बोलते हैं कि अभी पेलिंग जाना है, पेलिंग अभी यहाँ से 40-50 किलोमीटर हो रहा है, रोड ठीक नहीं है पर लेकिन हाँ ठीक है, तो फटाफट पहाड़ों की मोमो खत्म किया जाए और यहाँ से फिर निकला जाए आगे पेलिंग की तरफ। तब तक आप बने रहो वीडियो में, मोमो के नज़ारों के साथ। चलो गाइस मोमो मोमो खा लिया और फटाफट निकलेंगे यहाँ से। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सिंचो ब्रिज। जिनको अभी तक ये नहीं पता कि सिंगशोर ब्रिज किस बला का नाम है, तो आपको बता दूं कि सिंगशोर ब्रिज विद इन हाइट ऑफ ओवर 100 मीटर एंड 240 मीटर इन लेंथ इज द हाईएस्ट ब्रिज इन सिक्किम एंड द सेकेंड हाईएस्ट ब्रिज इन एशिया। तो चलिए आज आपको घुमाते हैं एशिया के सेकेंड हाईएस्ट ब्रिज पर, जो कि है सिक्किम पेलिंग में। रास्ता यार मैं आपको ये बोल दूँ, अगर आप पेलिंग जा रहे हो तो रास्ते आपको ऐसे मिलेंगे, अगर बाइक से आओगे तो पूरा ऑफ रोड ही है, कहीं कहीं जगह थोड़ा रास्ता ठीक है नहीं तो बाकी सब ऑफ ही है, बाकी गाड़ी से आओगे थोड़ा आपको सहूलियत मिल जाएगा ट्रैवल में, नहीं तो बाइक में काफ़ी कमर की तो बल्ले बल्ले हो जानी है। चल मेरी धन्नो कतक कतक गाइस, अब आ चुके हैं कहाँ, कौन सा गाँव है? लेकशिप। तो अब एंटर होने वाले लेकशिप में, और ये अभी हम चल रहे हैं साउथ सिक्किम में, जैसे ये ब्रिज पार होगा तो हम पहुंच जाएंगे सीधे वेस्ट सिक्किम ना, वेस्ट सिक्किम। तो सीधे आ गए हम वेस्ट सिक्किम के अंदर, ये रहा एंट्रेंस हमारा वेलकम के लिए, गाड़ी साइड में यहाँ पे खड़ी हुई है, लेफ्ट से गांव है ये जगह। तो वेलकम टू लेफ्ट से गाइस, ये नज़ारे आपके सामने। यस सर, यस यस, ये बड़ा है उठा पड़ा सही है ना। तो गाइस फाइनली अभी आ चुके हम गेजिंग, और गेजिंग से 8 किलोमीटर और आगे पड़ेगा हमारे पेलिंग, राइट? तो हमें जाना है पेलिंग, तो ये गेजिंग के रास्तों से होते हुए जा रहे हैं पेलिंग। ए कांचा, ओ कांचा, पानी पड़ सके आज कालो वगैरह समाती था, अभी लोग तो ये रहते हैं इनको पता जाता मौसम का कैसा होना कैसा नहीं होना मौसम। अरे अरे भैया आराम से, अब यहाँ से शॉर्टकट है पेलिंग के लिए, भाई बोल रहा है ऊपर क्या है फिर गेजिंग, अच्छा ऊपर गेजिंग मार्केट है, तो यहाँ से हमें शॉर्टकट लेके पेलिंग निकलना है। तब तक आप बने रहो वीडियो में, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही चुके हो तो वीडियो पे लाइक कर देना, तो कमेंट करके बताना कि आपको ये वेस्ट सिक्किम का पार्ट कैसा लगा और साउथ सिक्किम का पार्ट कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बने रहो वीडियो में पेलिंग के नज़ारों के लिए। तो भाइयों पेलिंग आने वाला है, और पेलिंग के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, अभी जा रहे हैं वहाँ से और अच्छा लगेगा, पर बाकी यहाँ भी ऑफ रोड है और जो पूरा सामने से है उसकी रोशनी तो अलग ही है, और बाकी जो नज़ारे पहाड़ों का और ठंडी हवा वो तो है ही, और लोग एक और आ गया वाटरफॉल। ये बेटे चल गए आखा तीरी मीरी भाई था क्यों भाई, घंटा कंडा फंडा तो खाए थे मिले था। ये ब्रिज है एशिया को,
मोमोले के बनेको थियो साँच्चै बनेको थिएन मैले कि बाटो पनि हुन्थेन भत्केको होइन अगाडि अगाडि जाउँ न भनिदिन्छु बाटो छैन त अन्त तो भाइ मोही मोही हो गया है तेज तेज लेके तो आया अब यहाँ देख लो रास्ता ही नहीं है उस दिन जब सिक्किम में फ्लोड आया तो सारा रास्ता ही ले गया ये पूरा रास्ता देख सकते हो पूरा फ्लोड से चला गया हमें जाना था इस तरफ आगे पर लेकिन नहीं है रास्ता ये खोला इस तरफ वो ब्रिज या तो बस अब निकलते बाबा छिटो छिटो जुम बाबा जुम ओए सोधना भाई साहब ये ब्रिज कहाँ पड़ेगा आ गई है सेंसर ब्रिज हाँ आ गया इधर से भी तो था नहीं वो रास्ता बंद टूट गया है ना पूरा इधर से जाओ ना देंताम ये रास्ता देंताम से नज़दीक पड़ेगा ना यहाँ से नज़दीक पड़ेगा यहाँ से टोलंग लॉन्ग पड़ेगा यहाँ से लॉन्ग पड़ेगा फोन पर तो फोन पूरा ऊपर घूम के जाना पड़ेगा ना ये नीचे जाओ हाँ देंताम जाना वहाँ एक बोर्ड लगा है ठीक है बड़ा सा वो बोर्ड से राइट अच्छा उससे राइट जाना है फोन करता तो सांगे और दूसरा भाई तो ऊपर चला गया लेकिन दूसरे लॉन्ग रूट से हम जाएंगे शॉर्टकट से तो ताशी मैं और मेरे पीछे बैठा भाई वो चल रहे हैं हम दोनों वो चलेंगे अकेले अब माफिया के रास्तों से निकलेंगे हम देख सकते हो भाई साहब आज तो जो वाट लगी है ना मतलब ऐसी टाइमिंग और ऐसे दोस्त ना भगवान दुश्मन को भी ना दे क्यों भाई सही बात और ये देखो है रास्ते देखो भाई है भले ये थोड़ा मुझे अच्छा लगा आप देख रहे हो लाइक नदी है ऊपर रोड है और क्या व्यू है मतलब सही है थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा देख के बिस्तारे अरे अरे चल चल धन्य हो रुकना मत बढ़िया चलो यार थक गए बोलते बोलते अब आपको सीधे ब्रिज पे मिलता हूँ मैं काफ़ी थक गया हूँ यार बस बात यही है सिंगसोर ब्रिज जो है वो आने वाला है ये टिकट पहुँच रहा है सफेद यहाँ पर सो गाइस फाइनली ब्रिज पर आ चुके हैं 100 रुपये टिकट दू जना को टिकट 100 गाइस टिकट हमने ले ली है टिकट के लिए 50 रुपीज़ पर हेड का है गाड़ी का 100 है और हम जा रहे हैं ब्रिज के उस पार एशिया होइन अब भयो तिम्रो होइन बाटो बत्ती बाटो कति सो गाइस फाइनली भैया अब ट्रिप खत्म करके अपनी पेलिंग की आ चुके हैं यानी कि होटल पर और आज है ताशिंग का बर्थडे तो उधर सेलिब्रेशन अभी चल रहा है तो फटाफट अब केक कटिंग करते हैं भाई का म्यूजिक वो क्या नजारे थे
दोस्तों इस ताशी के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ ही हमारा साउथ सिक्किम का एपिसोड 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो देख के काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो साउथ सिक्किम प्लान कर रहे हैं, ताकि उनको पता लगे अगर वहाँ पर जाते हैं वो तो क्या क्या वहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड पेलिंग में जाके हमने स्काई वॉक मिस कर दिया था, क्योंकि हम होटल से काफ़ी लेट निकले थे उस दिन और हमें ब्रिज पे पहुँचते पहुँचते 4-5 बज गया था, और जो स्काई वॉक है वो 4 बजे बंद हो जाता है, तो हमें वो टाइम नहीं मिला जाने का स्काई वॉक लिए। और स्पेशली थैंक यू सांगे जो मेरा दोस्त है जिसने ये पूरा ट्रिप प्लान किया, थैंक यू सो मच। प्लान खराब नहीं किया उसने लेकिन बनाया अभी, तो लव यू ब्रो। और ताशी पायोंग संजीते उफ रंजीते एंड तो देन लव यू गाइज, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, काफ़ी हमने मेमोरीज वहाँ पे क्रिएट की, थैंक यू सो मच। एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट करके लंबा सा कमेंट बताओ कि आपको साउथ सिक्किम का व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे साउथ सिक्किम के सेकेंड एपिसोड में, जो कि बहुत जल्द आपके सामने आएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए ब्लॉग निहाल। बाय। तो भाई साहब अभी हम कहाँ पहुँच गए? अभी लिपसेक है ना, लिपसेक आ रहे हम कहाँ से? पेलिंग से। पेलिंग से। और भाई साहब इसने, इस आदमी ने इतना बेकार गाइड किया है ना, इतना इसने मतलब अनप्लान चीज़ें करी है। हमारा प्लान कल का होना चाहिए था, इसने पूरा दिन बेकार करा। मैं जो सर में दर्द इतना तगड़ा हो रहा, देख रहा हूँ हालत कैसी हो रही है। सुबह से 1 बजे से राइड कर रहा है, बस छोला समोसा कि जिस मास्क में से तो खा रहा है ना, सही बता रहा हूँ, तो खाने लायक है नहीं, साफ बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पे सभी लोग बाकी, लेकिन मज़ा आया ना, मज़ा आया, मज़ा आया।